हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं Y-20 के बारे में, जो कि फ्यूचर में चाइना का मेन कार्गो एयरक्राफ्ट होने वाला है। तो शुरुआत में हम उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और बाद में बात करेंगे कि क्या चीज़ इस एयरक्राफ्ट को स्पेशल बनाती है। तो Y-20 एयरक्राफ्ट स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर की कैटेगरी में आता है, जिस कैटेगरी में IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट हैं। तो ये काफ़ी नए एयरक्राफ्ट हैं। इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2013 में ही हुई है और अभी ये करीब 20 यानी कि 20 के करीब सर्विस में है। तो अगर आप इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को देखेंगे तो डिज़ाइन इसका देखने में लगता है IL-76 और C-17 ग्लोब मास्टर से इंस्पायर्ड। टेक्निकली बात करें तो इसका जो फ्यूसलाज है वो काफ़ी वाइड है और डीप है। जो टेल सेक्शन है वो टी टेल कन्फिग्रेशन में है। साथ में जो कार्गो लोडिंग है वो रियर से ही होती है। साथ में विंग्स की बात करें तो ये हाई माउंटेड मोनोप्लेन विंग्स हैं, जो कि थोड़ा सा पीछे की तरफ स्वेप्ट हैं। कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट जो है वो ग्लास कॉकपिट है, जिसकी वजह से जो क्रू रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। इसको उड़ाने के लिए आपको 3 क्रू की आवश्यकता है। बाकी ये रशियन इंजन को यूज़ करते हैं, जो कि सोलोवियव D-30KP टर्बोफैंस हैं। ये सिमिलर इंजन है जो कि IL-76 में यूज़ होते हैं। तो ऐसे 4 इंजन इस एयरक्राफ्ट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी इस एयरक्राफ्ट की करीबन 55,000 किलो यानी कि 55 टन के आसपास की है। तो ये एक्चुअली अभी जो IL-76 सर्विस में है उनसे ज़्यादा है, और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, करीबन 6-7 टन ज़्यादा है। बाकी इसकी जो रेंज है वो करीबन 7,800 किलोमीटर बताई जाती है, वो भी 2 टाइप 15 टैंक्स के साथ। ये चीज़ आपको बता दें कि एक टाइप 15 टैंक का जो वज़न है वो करीबन 30 टन के आसपास का है। वहीं पर इस रेंज को कंपेयर करें सबसे लेटेस्ट वर्जन के IL-76 के साथ, यानी कि IL-76 MD-90A के साथ, तो वो 50,000 किलोग्राम को 5,000 किलोमीटर तक ही ले जा सकता है। तो अगर ये डेटा एक्यूरेट है Y-20 का, तो उसकी परफॉर्मेंस IL-76 के लेटेस्ट वर्जन से भी सुपीरियर है पुराने इंजन को यूज़ करने के बाद। तो चाइना द्वारा अपने खुद के डोमेस्टिक इंजन पे काम चल रहा है, जिनको यूज़ करके वो इन एयरक्राफ्ट के इंजन को रिप्लेस करने वाले हैं। तो इन नए इंजन का नाम है WS-20, जो कि एक हाई बाईपास रेशियो वाला वर्जन है WS-10 इंजन का, जिनको चाइना ने डेवलप किया है अपने J-16, J-11 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए। तो अभी जो सोलोवियव D-30KP इंजन इसमें लगे हैं वो मैक्सिमम थ्रस्ट करीबन 120 किलोन्यूटन के आसपास का पैदा करने में सक्षम है। जो WS-20 इंजन होंगे उनका मैक्सिमम थ्रस्ट करीबन 140 यानी कि 140 किलोन्यूटन के आसपास का होगा। तो उनके लगने के बाद इस एयरक्राफ्ट की जो कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है वो 55 टन से बढ़कर 66 टन के आसपास हो जाएगी। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो WS-20 इंजन है ये WS-10 इंजन पर बेस्ड है, जो कि खुद CFM56 इंजन पर बेस्ड है, जो कि बोइंग 737 में यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो WS-10 इंजन है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में। अभी इन इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो रशियन इंजन को ही मैच कर पा रही है। तो ये जो WS-20 इंजन है ये नए रशियन IL-76 MD-90A के जो PS-90 इंजन्स हैं उनसे सुपीरियर नहीं होने वाले हैं। पर फिर भी ये अगर 66 टन की कार्गो कैरिंग कैपेसिटी देते हैं तो ये IL-76 MD-90A से करीबन 6 टन ज़्यादा होगा मैक्सिमम कैपेसिटी में। बाकी इनको C-17 ग्लोब मास्टर से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट इन दोनों से बहुत आगे है। उसकी मैक्सिमम कार्गो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 77 टन के आसपास की है, और साथ में वो हर मामले में इनसे सुपीरियर है। तो अभी जो जो चीज़ें हमने Y-20 के बारे में डिस्कस करी ये बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। तो वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या Y-20 को स्पेशल बनाता है। तो अब डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से Y-20 चाइना के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है। तो Y-20 की जो स्पेसिफिकेशंस है या फिर कैपेबिलिटीज़ हैं वो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। जो स्पेशल चीज़ है वो इसको बनाने की टेक्निक में है। तो इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए चाइना द्वारा कई नई टेक्निक्स को यूज़ किया गया था, जो कि पहले चाइना ने कभी यूज़ नहीं करी थी। तो चाइना ने Y-20 में जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो कंपोजिट मटेरियल से बने हैं, जिनको स्पेशली डेवलप किया गया था Y-20 के लिए। तो इसके लिए एक नया इंस्टीट्यूट खोला गया, जिसके अंतर्गत इन मटेरियल्स को डेवलप किया गया और इसके जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने लायक बनाया गया।
तो अगर कंपोनेंट्स में कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ कर लिया या आप फिर भी कह सकते हैं बेसिक है, जो इससे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है वो ये है कि चाइना ने पहली बार इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। तो 3D प्रिंटिंग की वजह से जो डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है और प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। साथ में चाइना द्वारा यूज़ किया गया था मॉडल बेस्ड डेफिनेशन टेक्निक को, जिसे MBD टेक्निक भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको एयरबस A380 और बोइंग के 787 एयरक्राफ्ट को बनाने में यूज़ किया गया था। तो ये रिलेटिवली काफ़ी नई है। तो अब ये क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है तो उसमें जो कंपोनेंट्स लगने हैं उसकी जो डिटेल डिजाइनिंग है वो पेपर पे होती थी, तो ये 2D फॉर्म में होती थी। तो मॉडल बेस्ड डेफिनेशन के अंतर्गत ये जो डिटेलिंग होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो कि एयरक्राफ्ट को बनाने में यूज होने वाले हैं, ये 3D में होती है और इसको सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है, जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो पहले ही क्लियर हो जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर Y-20 के विंग्स को असेंबल करना है बिना मॉडल बेस्ड डेफिनेशन को यूज़ किए हुए तो उसमें करीबन 1 से 2 महीने का टाइम जाता, लेकिन MBD को यूज़ करने के बाद ये काम कुछ घंटों का ही होता है। तो जो डिज़ाइन वर्क है वो करीबन 40% कम हो गया, ये बहुत बड़ा नंबर है। साथ में जो प्रोडक्शन है उसको 75% रिड्यूस किया गया और जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो 30% कम हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स, टाइम और कॉस्ट तीनों बचाता है। तो इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए जो लोकल चाइनीज कंपनी इन्वॉल्व थी उनको मैंडेटरी मॉडल बेस्ड डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जो कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उनको हेल्प करने वाला है। यानी कि चाइना की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है। तो ऐसे इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ करने की वजह से जो टेस्टिंग पीरियड है उसमें भी बहुत बड़ी कमी आई। जो 300 दिन के टेस्ट हैं वो खाली 194 यानी कि 194 दिन में ख़त्म हो गए। तो ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद चाइना के लिए एक बड़ा रूम खुल चुका है, जिसमें एक बेस प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो गया है। अब इस पर बेस्ड रिफ्यूलर्स भी आएंगे, अवैक्स भी आएंगे और डिफरेंट तरीके के एयरक्राफ्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे और साथ में ये काफ़ी तेज़ी से बनाए जाएंगे। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय।